ग्वालियर से है, जहां बाइक सवार तीन बदमाशों ने खुलेआम गुंडागर्दी दिखाई। दरअसल शहर के अचलेश्वर तिराहा पर रात को पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी बुलेट पर सवार तीन बदमाश तेज रफ्तार में बाइक को चलाते हुए बुलेट साउंड निकालते हुए जा रहे थे। ट्रैफिक कर्मियों ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के साथ ही मारपीट कर दी, जिसका वीडियो वहां मौजूद किसी युवक ने बना लिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने पब्लिक की मदद से दो बदमाशों को बाइक सहित पकड़ लिया, जबकि एक बदमाश रौनक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने तीनों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना में फरार बदमाश इनामी बताया जा रहा है। ये तीन मोटरसाइकिल वाले आए, बुलेट मोटरसाइकिल से बिना नंबर की, और बराबर एक्सीलेटर खींचते हुए आ रहे थे। तो मैंने इनको साइड में चलने के लिए बोला, मैं ओवरटेक करते हुए आओ सीधे साइड में दबते चलाओ, जिससे कारण दोनों की तरफ का ट्रैफिक क्लियर चलता रहे। उसी बीच एक फोर व्हीलर के से सामने वाले, जो इनके सामने फोर व्हीलर चल रही थी, वो फोर व्हीलर से टकराए और ये गिर पड़े। गिरने के उपरांत इसमें जो पीछे जो लड़का बैठा हुआ था, जो अपना नाम सोनू बता रहा है, भानु नाम बता रहा है, उसने आते ही मतलब कॉलर पकड़ लिया और मारने के लिए हावी हुआ। उसके बाद में एक पिंक टी शर्ट पहना वाला जो बुलेट चला रहा था, वो आया, उसने मार तोड़ चालू कर दी, ठीक है। उसके उपरांत इसने भानु नाम के लड़के ने मेरे हाथ में काट लिया बाएं वाले में, और भानु उसने जो पिंक टी शर्ट पहने हुए था लड़का, उसने मेरे को बुलेट पे गिराया। ये कंबूताना क्षेत्र में अचलेश्वर मंदिर के पास आज चेकिंग लगाया था। वो जो अचलेश्वर पे आज भीड़ बहुत है सोमवार के कारण, और भंडारा भी चल रहा था, तो उधर थोड़ा ट्रैफिक की व्यवस्था लगाया था। वहाँ पे तैनात एक अनूप बोल के आरक्षक के साथ तीन गुंडे ने मारपीट किया, उसके ऊपर हमला किया और मारपीट किया, तो उसका वीडियो भी आप देखा होगा। तो उनमें से भी तीन लोगों के ऊपर एफ आई आर हो रहे हैं कंबूताना में। तीन आरोपियों से दो लोग अपने हिरासत में है और एक अभी फरार है।